आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। भीड़ देख के तो लग रहा है कोरोना नहीं है, पर एक्चुअली कोरोना अभी गया नहीं है। सो सबको सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। हाँ, नहीं थी भीड़ आज, लेकिन भीड़ उमड़ी है। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आज क्या है खास, देखिए SMP न्यूज के साथ। कोरोना महामारी पर भारी पड़े मां भवानी के भक्त। जी आपने सही सुना, राजधानी रांची के विभिन्न पूजा पंडालों में मानो जैन सलाब उमड़ पड़ा था। सरकार के द्वारा कोरोना महामारी अधिनियम का आदेश धरा का धरा रह गया, जब रांची राजधानी के दुर्गा पूजा पंडालों में उमड़ा जैन सलाब। आपको बताते चले, राज्य के मुख्य सचिव ने पूजा के पूर्व दिए गए अपने आदेश में पंडालों में सिर्फ 7 लोगों का प्रवेश था। उसके बाद मुख्य सचिव ने अपने पूर्व के आदेश को निरस्त करते हुए 15 लोगों को पंडाल में रहने का आदेश दिया। लेकिन आज पंडालों में दिखी अपार भीड़ से जिला प्रशासन के आदेश का सीधे तौर पर उल्लंघन दिखा। आपको बता दें, राजधानी के अमूमन सभी पूजा पंडालों में जिला पुलिस बल, IRB, RAF और JAP की तैनाती की गयी थी। माँ के भक्तों के जन सैलाब को देखकर प्रशासन के भी पसीने छूटते नजर आए। हालांकि जो लोग भी मास्क लगाकर नहीं आए थे, जिला बल के जवानों के द्वारा उन्हें पंडाल में जाने से रोका भी जा रहा था कि आप मास्क लगा करके तभी पंडाल में जा सकते हैं। वहीं रांची रेलवे स्टेशन की यदि हम बात करें तो आज वहां भी जन सैलाब दिखा। बहुत पंडालों में सैनिटाइजर का भी व्यवस्था किया गया था, तो आज खाने पीने की दुकानों पर भी रौनक नजर आई। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और जवानों के द्वारा लगातार यातायात संधारण कराते नजर आए, क्योंकि जिस तरह आज सड़कों में भीड़ दिखी, एम्बुलेंस को जल्द निकालना ट्रैफिक पुलिस के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी आज जिस तरह जन सैलाब रांची के पंडालों में उमड़ा ऑफ द कैमरा, प्रशासन के लोगों ने भी यही कहा कि उम्मीद नहीं थी इतनी भीड़ एकाएक बढ़ जाएगी। फिर भी आइए देखते हैं इस विजुअल को कि आज किस किस पंडालों में उमड़ा जन सैलाब और किसने क्या कहा। तो वहीं प्रशासन और रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष ने इस अपार भीड़ को लेकर आज क्या कहा, हम आपको लिए चलते हैं विजुअल की तरफ। लेकिन SMP न्यूज आप दर्शकों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आह्वान लगातार करते आ रहा है, और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। फिर भी हम आइए बढ़ते हैं इस विजुअल की तरफ। देखिए, 2020 का दुर्गा पूजा हम लोग अपने जीवन काल में तो इस तरह की पूजा नहीं देखे, जिसमें लोगों के अंदर भय भी है। पूजा का स्वरूप भी जो रांची में होता आया है उससे बहुत छोटा है, लेकिन भक्ति भाव पूरा है। इसलिए कि लगातार पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से प्रशासन ने है वो क्रिएट किया, नोटिस दिया, ऐसा लग रहा था कि लोग सड़क पे नहीं निकलेंगे, प्रशासन का इसी तरह का गाइडलाइंस भी था।
लेकिन लोगों के अंदर भक्ति का भाव इतना ज़्यादा है कि आज हम देख रहे हैं नवमी के दिन, चाहे वो बकरी बाजार का पंडाल हो, आरआर स्पोर्टिंग का हो, या सत्य अमर लोक का हो, या राजस्थान मित्र मंडल का हो, सब जगह लोग, असंख्य लोग निकले हैं। और मुझे लगता है कि माँ भगवती से ये जरूर दुआ कर रहे हैं कि कोरोना से इस पूरे भारतवर्ष को मुक्त किया जाए, क्योंकि लगातार 7 महीने से जनजीवन अस्त व्यस्त होने के बाद उनके आर्थिक निर्बलता भी आई है, साथ ही साथ लोगों को आपस में दूरी इतनी बना दी है कि लोग अब उससे थक गए हैं। और मुझे लगता है कि शक्तिपीठ दुर्गा माँ, जिससे कि देवता भी जब परास्त थक जाते थे तो माँ ही आके महिषासुर जैसे कई राक्षसों का संहार की है, तो मुझे लगता है कि इस बार भक्तों की सुन के माँ जरूर इस कोरोना रूपी राक्षस को इस पूरे देश से मुक्त कराने में अपना सहयोग करेंगे। कहाँ कहाँ आज पंडाल घूमे आप लोग? अभी तो हम लोग बस बकरी बाजार ही आए घूमने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद घर से निकल के बहुत अच्छा लग रहा है। तो लग रहा है कोरोना नहीं है, पर एक्चुअली कोरोना अभी गया नहीं है, सो सबको सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। आज कैसा पुराना दिन याद आ गया आप लोग को फिर से? हाँ, अठवीं का तो कोई नहीं दिख रहा था मेरे साथ। हाँ, नहीं थी भीड़ आज, लेकिन भीड़ उमड़ी है। मुझे लगता है छोटे पंडाल बनाना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अभी इकोनॉमिक बहुत कम है, तो इस हिसाब से छोटे पंडाल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा है। आज जो दर्शनार्थियों का यहाँ भीड़ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लोगों में आस्था भय पे कहीं ना कहीं भारी है। हम लोगों ने भी लोगों से अनुरोध किया कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें, लोग ना निकले। प्रशासन के द्वारा भी लगातार सख्ती बरती गई, लेकिन लोग यहाँ आए हैं। लेकिन एक चीज़ जो पॉजिटिव बात यह है कि सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और हम लोगों ने भी रांची में स्टेशन ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि कोरोना काल में अब कैसे लोग अपने पर्व त्योहारों को मनाएं, उसका एक हम लोगों ने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि लोग यहां पर आएं, देखें कि दुर्गा पूजा किस प्रकार से लोगों को किसी भी प्रकार का संक्रमण का खतरा ना हो, उस का विशेष ध्यान रखा गया है। और माँ भवानी की इच्छा है कि हर साल यहाँ भीड़ होती है, लोग उनका आशीर्वाद लेने आते हैं, और आज हजारों लोग यहाँ आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन आप वीडियो दिखा सकते हैं दर्शकों को कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का और कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। क्या आपको उम्मीद था कि ये इतना भीड़ इस बार भी फिर से होगा? आपने जिस तरह से यहाँ तैयारी कर रखी है। देखिए, जब कई सारी चीज़ें, जब यहाँ पर कुछ विवाद भी हुआ और प्रशासन ने को एक भय था कि यहाँ कहीं ज़्यादा भीड़ ना हो, लेकिन इस विवाद से कहीं ना कहीं ज़्यादा, यह जो माँ का दरबार है,
कुछ ज़्यादा लोगों में एक इच्छा हुई कि जाके देखें कि आखिर क्यों यहाँ इतना विवाद है, तो उसके कारण से भी लोग ज़्यादा यहाँ पर आए, जबकि पंडाल यहाँ सामान्य ही बना है, जो सार्वजनिक जगहों में जिस प्रकार से जो पेंटिंग वगैरह होती है उसी प्रकार से पंडाल बना है, लेकिन माँ की भक्ति है और स्टेशन जो दुर्गा पूजा समिति कि जो माँ यहाँ पर 9 दिनों के लिए भक्तों के लिए आती हैं, तो उसके प्रति लोगों का यह आस्था श्रद्धा है। प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है यहाँ पे, कल सिटी एसपी और एसएसपी द्वारा भी लगातार यहाँ दौरा किया जा रहा है, उपायुक्त महोदय एसडीओ बार बार आकर यहाँ पर देख रही हैं, व्यवस्था के लिए उन्होंने जो जो दिशा निर्देश दिए हुआ हम लोगों ने जल्दबाजी में पूरी तरह से पूरी की है और प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। तारानी के भक्तों का एक उल्लास जन सैलाब दिख रहा है, 2 दिनों तक कोरोना काल का हवाला सब चल रहा था लेकिन आज वो नहीं दिख रहा है। देखिए इस जन सैलाब में पहले तो मैं बता दूं कि आज के बाद कोरोना नज़र नहीं आएगा, ये माँ की कृपा रहेगी पूरे विश्व के ऊपर, और इसी मन्नत के साथ हम लोग इस बार पूजा का आयोजन किए थे करने किए हैं कि कोरोना से पूरे विश्व को मुक्ति मिले, कोरोना जहाँ से आया वापस वहीं चला जाए। और ये जो जन सैलाब देख रहे हैं, इस जन सैलाब के मन में भी यही भावना है, अगर कोरोना का भय होता तो लोग नहीं निकलते, उनको भी भगवान पर आस्था है कि हम लोग देवी के शरण में जाएंगे तो कोरोना से मुक्ति मिलेगी। मैं अशोक कुमार पुरोहित, रांची जिला दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ। चुटिया थाना के अंतर्गत ये रेलवे दुर्गा पूजा समिति आता है, प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है, जिस तरह से आज जैन सैलाब उमड़ा है क्या कहेंगे आप? प्रशासन की तरफ से पूरी तरह तैयारी है और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है, लोगों की आस्था है, लोग आ रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से दर्शन कर रहे हैं, लॉकडाउन का जो है पालन करते हुए और दर्शन करके जा रहे हैं। जवानों की तैनाती कैसे की गई? इसमें विधि व्यवस्था के लिए, शांति व्यवस्था के लिए और जनता को सुचारू रूप से जो है दर्शन हो जाए, इसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमारा 20 जो है रैफ का जवान है इसमें लगा हुआ, जैप का जवान 10 लगा हुआ है, करीब 20 जो है ट्रैफिक के लोग हैं, हाईवे है, पीसीआर है और थाना का जो है माइक गाड़ी है, प्लस जो है टाइगर मोबाइल है, सारा लोग जो है सब कुछ जो है लगा दिया गया है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम, लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।